हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे ग्वावा प्लांट यानी अमरूद का पौधा शेयर करेंगे जो कि हमने नर्सरी से लिया था। ये जाइंट ग्वावा है, यानी कि जो बड़ा वाला अमरूद होता है जिसका वजन लगभग आधा किलो से लेकर एक किलो तक होता है। लगभग 500 ग्राम भी हो सकता है, 700 ग्राम भी हो सकता है, ये आपकी केयर पर डिपेंड करता है और जो पॉट का साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट नर्सरी में मिलते हैं, यानी कि गुट्टी विधि द्वारा, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर ही प्लांट पे फ्रूटिंग मिल जाती है। स्टार्टिंग में हम प्लांट को 10 इंचेस के पॉट में लगाएंगे जो कि मिट्टी का पॉट है। मिट्टी के पॉट प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए तभी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। और एक छोटा सा पत्थर ड्रेनेज होल पर रख देते हैं जिससे एक्स्ट्रा वाटर ही बाहर जाएगा, सॉयल बाहर नहीं जाएगी, जिससे बारिश में भी अगर प्लांट रखा रहेगा तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी। सॉयल मिक्सचर के लिए इसमें 60% सॉयल है, 40% गोबर की खाद यानी काउडंग है। आप वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट कोई भी फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट इसको ही मिक्स कीजिए तो बेस्ट रहेगा। तो ये मिक्सचर सही है प्लांट्स के लिए। बाद में आप कोई भी फर्टिलाइज़र, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन मेन आपको जो फर्टिलाइज़र पहले लेना है वो इन्हीं में से लेना है। तो सॉयल मिक्सचर तैयार है और 10 इंचेस के पॉट में इसको थोड़ा सा भर देते हैं। बाकी जो प्लांट है उसको आप रख कर देख लीजिए कितना गहराई आपको रखनी है प्लांट की। ज़्यादा गहराई यानी डेप्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्लांट की, और ना ही ज़्यादा वो प्लांट ऊंचाई पर रहना चाहिए, नहीं तो फिर सॉयल ऊपर रहेंगी और डायरेक्ट हीट पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो रूट्स फिर जलने लगती हैं, गर्म होने लगती हैं, तो वो प्लांट अच्छी ग्रोथ उससे नहीं कर पाएगा। तो अभी जो पॉलीबैग है उसको कट कर लेते हैं। पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि प्लांट कैसी सॉइल में लगा हुआ है। अगर बेकार मिट्टी है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी है या रेड सॉइल है, अगर आपके यहाँ रेड सॉइल में प्लांट अच्छे चल जाते हैं तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, वरना सॉइल को चेंज करना ज़रूरी होता है। तो पहले पॉलीबैग को कट कर लेते हैं। तो ये जो प्लांट है ये नॉर्मल सॉइल में ही लगा हुआ है, बहुत बेकार सॉइल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लगाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है प्लांट की, तो इसको ऐसा का ऐसा ही हम लगा देंगे। तो अभी रूट्स ज़्यादा फैली हुई नहीं है, क्योंकि ये जो एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स आते हैं बाहर से, फिर इनको नर्सरी में लाकर रिपॉट किया जाता है, इनको नए पॉलीबैग्स में लगाया जाता है, तो अभी इसकी ज़्यादा रूट्स नहीं फैली हैं। तो अब ये हमारी सॉइल में भी अच्छे से ग्रोथ कर लेगा, तो इसको ऐसा का ऐसा हम रख देते हैं और सॉइल मिक्सचर को इसमें ऊपर से भर देते हैं। आपने लेमन प्लांट हमारा देखा होगा जो हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, एयर लेयरिंग पर भी वीडियो शेयर की हुई है, यानी गुट्टी विधि से कैसे प्लांट तैयार करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। और जो प्लांट हमने लेमन तैयार किया था, नींबू का पौधा जो हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, उसमें फ्रूटिंग भी हमने शेयर की है, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हमें एक साल में ही मिल गई थी। तो आप खुद भी एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो जाइंट ग्वावा होते हैं, बड़े अमरूद होते हैं, ये हर जगह नहीं लगे हुए होते हैं, तो इसमें हम गुट्टी तैयार नहीं कर सकते हैं। देसी वाला अमरूद बाहर गार्डन में लगा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो उसकी एयर लेयरिंग हम शेयर कर देंगे। तो सॉइल को अच्छे से भर देते हैं पॉट में और अच्छे से प्रेस कर देते हैं और फिर इसमें वाटरिंग कर देंगे, पानी दे देंगे। तो ये जो प्लांट है ये तैयार हो चुका है और एक साल में ही आपको फ्रूट्स दे देगा। अलग अलग वैरायटी होती हैं, जैसे कि कुछ अमरूद जो होते हैं ग्वावा प्लांट, वो आपको साल में दो बार फ्रूट्स देते हैं, कुछ एक बार ही देते हैं साल में। तो अभी पता चलेगा ये प्लांट कैसा है, क्योंकि नर्सरी में भी कभी कभी नहीं पता होता है उनको कि वैरायटी कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ प्लांट ने कर ली है और इसमें जो रूट्स हैं वो अब सॉइल मिक्सचर में अच्छे से फैल पाएंगी और इसमें न्यू ग्रोथ भी हो चुकी है। अब आप देखिए धीरे धीरे कलियां आ चुकी हैं और जितनी ज़्यादा प्लांट में ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस पे फूल बनने लगे हैं, कलियां बनने लगी हैं। हमने प्लांट की कोई प्रूनिंग नहीं की थी, क्योंकि प्लांट पहले ही एक ही ब्रांच थी उसकी, उसमें से न्यू शूट्स आ रही थी, तो प्रूनिंग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो रेनी सीजन में आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि प्लांट का सीज़न फ्रूटिंग का कौन सा है, ऐसे ही नहीं करना है। तो इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, अब इसमें थोड़ा गोबर की खाद और ऐड कर देते हैं। हल्का हल्का सॉइल को हटाकर हमने गोबर की खाद लगभग 4-5 मुट्ठी इसमें मिला दी है और ऊपर से जो सॉइल हमने इसमें बाहर निकाली वही ऊपर से इसमें कवर कर देंगे, जिससे जो गोबर की खाद है वो जल्दी सूखेगी नहीं और अपना काम आसानी से कर पाएगी। तो इस तरह से आपको हर 25 से 30 दिन में फ्रूटिंग प्लांट्स में जब सीज़न होता है तो ज़रूर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए। गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे कलियाँ बड़ी होती जा रही हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तैयार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप घर पर ग्रो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए
लीजिए जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर का ही आप प्रयोग करें। वो गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है, किचन वेस्ट जो होता है उससे जो हम तैयार करते हैं किचन वेस्ट मैन्योर वो आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच 12 इंच के पॉट के लिए, क्योंकि फ्रूटिंग तो अच्छी होती ही है लेकिन फ्लावरिंग के लिए सरसों की खली का बहुत अच्छा वर्क होता है। तो जब आपके फ्रूटिंग प्लांट है उसमें भी फ्लावरिंग की ज़रूरत होगी तभी तो उसमें फ्रूट्स बनेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कलियां धीरे धीरे खिल रही हैं और उनसे ही फ्रूट्स बन रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं प्लांट को 12 इंचेस के पॉट में शिफ्ट कर दें। आप चाहें तो डायरेक्ट उसको 12 इंचेस के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन तब हमारे पास पॉट नहीं था तो वही सॉइल मिक्सचर बनाकर हम 12 इंचेस का पॉट, ड्रेनेज होल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, और अगर ज़्यादा कठोर मिट्टी है तो थोड़ा सा रेत आप 2 मुट्ठी के करीब 2-3 मुट्ठी उसमें रेत ज़रूर मिलाइए, वेल ड्रेन्ड सॉइल बन जाती है। उससे क्या होता है जो ओवर मॉइस्चर नहीं हो पाता है प्लांट में और उससे रूट्स नहीं गलती हैं। आप देख सकते हैं कितना छोटा प्लांट है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और प्लांट में फ्रूट्स बनने लगे हैं और इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं कि हर ब्रांच में फ्रूट हैं। तो रिपोर्टिंग हम वैसे फ्रूटिंग के टाइम रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्लांट को हमें ऐसा कैसा बाहर निकाल लिया है पॉट से, रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और एकदम से इसको 12 इंचेस के पॉट में रख देंगे। तो जो 10 इंचेस का पॉट था उसमें से ऐसा का ऐसा प्लांट को बाहर निकाल लिया क्योंकि रूट्स बंध चुकी हैं चारों तरफ, तो मिट्टी में ऐसे ये एक साथ बाहर आ गया है और यही सॉइल मिक्सचर को हमने 12 इंच के पॉट में इस तरह से भर दिया है और फिर से प्लांट तैयार है। थोड़ा बड़ा पॉट रहता है क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट्स जो रहते हैं इनको रूट्स फैलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। आप 12 इंच का पॉट ले सकते हैं, 14 इंच का पॉट ले सकते हैं या आप इसको 24 इंचेस के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो फ्रूट्स हैं वो बड़े हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 फ्रूट्स ही बड़े हो रहे हों, इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आए हुए हैं, लगभग 25-30 फ्रूट्स आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये जायंट गुआवा है इस यानी कि बड़ा वाला अमरूद, तो उसके लिए क्या है आपको बहुत सारे फ्रूट्स प्लांट पे नहीं चाहिए। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो भी जो किसान होते हैं वो लगभग 2 या 4 फ्रूट ही एक प्लांट पे बनाते हैं, लेकिन हमारा तो वैसे भी 12 इंचेस के पॉट में है तो हम 1 या 2 फ्रूट ही इस पर रहने देंगे और बाकी सभी को कट कर देंगे। बहुत दुख होता है इस तरह से कट करते हुए फ्रूट्स को, लेकिन ये प्लांट की हेल्थ के लिए और फ्रूट्स की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए इसको कट करना होगा। तो ये सभी करते हैं, किसान भी करते हैं, सब करते हैं अपने प्लांट्स में अगर उनको अच्छी खेती चाहिए होती है। तो ये 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ एक छोटा सा प्लांट है, इसीलिए हम 4 फ्रूट इस पर नहीं बनाएंगे, हम केवल 2 फ्रूट ही इस पर रहने देंगे। जितनी कलियां हैं, जितने फ्रूट्स हैं, उनको सभी को कट कर देंगे। और अगर आप रहने देंगे तो जो फ्रूट साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और हो सकता है कुछ फ्रूट्स झड़ भी जाएँ। तो इस तरह से हम सबको कट कर देते हैं। प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने के लिए आप फुल डे सनलाइट में रखिए या कम से कम 4 घंटे की धूप प्लांट को ज़रूर चाहिए। ओवरवाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हल्की नमी बनानी है। फर्टिलाइज़र के लिए 25 से 30 दिन में आप गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग इसमें मिल जाएगी। देखिए केवल गोबर की खाद से ही हमें इतने अच्छे फल मिल रहे हैं, तो केवल 2 फल हमने इस पर छोड़े हुए हैं, अब यही अच्छी ग्रोथ करेंगे। अगर आप पौधा ज़मीन में लगा रहे हैं तो पहले साल आप फल ना बनने दें उस पर, क्योंकि उससे प्लांट की हाइट पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो प्लांट को पहले ग्रोथ करने दें 1 साल, फिर उस पर फल आप बनने दें। और हमारी तरह टेरेस गार्डन में भी आप फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। आगे की वीडियो हम पार्ट 2 में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।